दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं सबसे अच्छे लैपटॉप्स 40,000 रुपए के नीचे। जी हाँ, 5 लैपटॉप्स आपको बताने वाला हूं। वैसे अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा होगा तो हमने वीडियो किया हुआ है अंडर 50,000 के लैपटॉप्स का, जरूर जाके देखिएगा। आजकल दोस्तों वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट जब से पैंडेमिक चालू हुआ है दोस्तों, सेल्स जो है लैपटॉप्स के या फिर टैबलेट्स के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई एक अच्छा लैपटॉप बताइए हमें इस प्राइस रेंज में। जो आज का वीडियो है उसमें हम बताने वाले हैं 40,000 नीचे वाले सबसे अच्छे लैपटॉप्स। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जब हम ये लिस्ट बनाते हैं, वी टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। बहुत अलग-अलग टाइप के लैपटॉप्स देखते हैं, उसके बाद में जो सबसे अच्छे होते हैं वो हम आपको बताते हैं। ऑल्सो बेंचमार्क्स होते हैं, उसके नीचे हम नहीं जाने देते। फॉर एग्जाम्पल 40,000 अगर आप खर्चा कर रहे हो तो कम से कम आपके लैपटॉप में लेटेस्ट जनरेशन i3 होना चाहिए, 10th या 11th जनरेशन का इंटेल i3 प्रोसेसर होना चाहिए, कम से कम 8GB की रैम होनी चाहिए। इधर 14 इंच का लैपटॉप होगा या फिर 15.6 इंच डिस्प्ले होगा, लेकिन FHD स्क्रीन जरूर होनी चाहिए। कम से कम 1TB हार्ड डिस्क होनी चाहिए, या फिर अगर SSD होगी तो 256GB या 512GB की ओके है। और हाँ दोस्तों, विंडोज 10 होना चाहिए। अगर नहीं है तो अगर आपको DOS पे लेना है तो वो भी आप ले सकोगे, 2-3 हज़ार रुपए कम हो जाएंगे जो प्राइस है उससे। एंड यस, HD वेबकैम होना चाहिए, क्योंकि आजकल दोस्तों आपको पता है Zoom मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए HD वेबकैम। और दोस्तों पांचवें नंबर पे आता है HP का 14S। 14S यानी ये 14 इंच का लैपटॉप है, 14 इंच का डिस्प्ले है, FHD डिस्प्ले है, i3 11th जनरेशन आता है इसके अंदर, 8GB रैम है, जो बेसिक हमारे जो बेंचमार्क्स हैं वो सब कुछ है इसके अंदर। क्यों पांचवें नंबर पे आया, क्योंकि इसमें जो स्टोरेज है दोस्तों वो 256GB SSD है, 1TB वगैरह HDD नहीं है, या फिर 512GB भी होता अगर SSD तो ज्यादा अच्छा होता। एक बात अच्छी है दोस्तों, इसकी जो बैटरी लाइफ है कुछ 11-11.5 घंटे की है, एंड USB टाइप सी भी आता है पोर्ट इसके अंदर, तो ये सब कुछ देखोगे। और इसकी जो प्राइस है 40-41,000 तक होती है, लेकिन ऑफर्स वगैरह आपको मिलते हैं तो अंडर 40,000 आ जाता है। दोस्तों चौथे नंबर पे आता है Asus का X515। बड़ी स्क्रीन आती है, 15.6 इंच की FHD प्लस स्क्रीन आती है, FHD प्लस, स्मार्टफोन की आदत हो गई है, FHD फुल HD स्क्रीन आती है इसके अंदर, 8GB रैम है। अच्छी बात यह है कि 512GB स्टोरेज है। सिर्फ एक बात क्यों चौथे नंबर पे है, क्योंकि इसमें जो i3 है वो 10th जनरेशन का है, 11th जनरेशन का नहीं। और एक चीज दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर आता है इसके अंदर, या फिंगरप्रिंट से आप खोल पाओगे, एंड USB टाइप सी भी आता है। तीसरे नंबर पे आता है HP 14S का बड़ा भाई HP 15S। इसमें बड़ी स्क्रीन आती है, दैट्स व्हाई इट इज HP 15S। अगर आप कंपेयर करते हो HP 14S के साथ तो उसमें 14 इंच, इसमें 15.6 इंच की स्क्रीन आती है। अच्छी बात यह है कि 14S जैसे 256GB SSD नहीं है, इसमें 1TB की HDD मिलती है आपको, तो रीड राइट स्पीड्स थोड़े कम हो जाएंगे बट स्टोरेज आपको ज्यादा मिलता है। बाकी सब जो स्पेसिफिकेशंस है दोस्तों HP 14S जैसे ही है इसके, बट यस अगर स्टोरेज इंपॉर्टेंट होगा तो जरूर आप इसके पास देख सकते हो। ये आता है नंबर 3 पे। वैसे दोस्तों जो भी लैपटॉप्स मैं आपको बता रहा हूं सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन जाने से पहले, डिस्क्रिप्शन में देखने से पहले टॉप 2 जो है वो ध्यान से सुनिए। दूसरे नंबर पे आता है डेल वोस्त्रो। ये जो है दोस्तों 14 इंच की FHD स्क्रीन है, छोटी स्क्रीन है, 15.6 इंच नहीं है, लेकिन बाकी सब चीजों के पास आप देखोगे तो अच्छा है। i3 11th जनरेशन है, 8GB रैम आती है इसके अंदर, 1TB स्टोरेज है, HDD है, SSD होती तो वाह क्या बात होती, लेकिन नहीं, 1TB की हार्ड डिस्क है, USB टाइप सी नहीं है, उतना ही एक छोटा सा मैं कहूंगा नेगेटिव है और इसीलिए दूसरे नंबर पे आता है, वरना बाकी सब कुछ है इसके अंदर। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों 39,000 के करीब है, 39,000-40,000 के बीच में आती है, एंड ऑफर्स में वगैरह लोगे तो और भी सस्ता आपको गिरेगा, तो डेफिनेटली इन माई लिस्ट एट नंबर 2 डेल वोस्त्रो। और नंबर 1 पे आता है दोस्तों Acer Aspire 5। यस, सब कुछ है इसके अंदर, एवरीथिंग। 14 इंच की स्क्रीन है, इसका मतलब कॉम्पैक्ट लैपटॉप है दोस्तों, 8GB रैम, FHD स्क्रीन, वेबकैम आता है इसके अंदर, USB टाइप सी पोर्ट है, 11.5 घंटे की बैटरी लाइफ क्लेम करता है कि इसमें 11.5 घंटे की बैटरी लाइफ है, तो वो अच्छा है। 1TB की हार्ड डिस्क भी आती है, 8GB रैम तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो सभी मामले में अगर देखोगे इस फीचर्स के पास तो Acer Aspire 5 जो है दोस्तों हमारी लिस्ट पे आता है नंबर 1 पे। जैसे पहले बताया दोस्तों, सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, वी रियली लाइक योर लाइक्स। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।